ओके दोस्तों, तो जो हम नया करने जा रहे थे आज, उस नया के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो नया है ये टाटा टिगोर ईवी। आपके झांसी शहर में जो ईवीज आई हैं, और ख़ास तौर से छुट्टियों के पर्पस के लिए, कि छुट्टी में आप बोर ना हो घर में और कहीं ना कहीं झांसी घूमने जाएं, और ये सहूलियत आज के झांसी स्मार्ट सिटी में है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 गाड़ियाँ ऐसी ईवी झांसी में तैयार खड़ी हैं टूरिस्ट को और लोकलाइट्स को झांसी के दर्शन कराने के लिए। और इसके साथ साथ ओरछा और दतिया जैसे जगहों का भी दर्शन आप इन्हीं गाड़ियों में कर सकते हैं। तो किसी भी छुट्टी को बेकार मत जाने दीजिए और अपनी फैमिली के साथ इनको बुक कराइए। इसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन आप कराएंगे कैसे बुकिंग, इसके बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है? तो गाड़ियों के बारे में बात गाड़ियों में बैठ करके, लेकिन बुकिंग कैसे कराना है उसके बारे में बात अभी। फ़ोन पर आपको यूज़ करना है ये आपके ऐप आप पड़ा होगा इसमें, एक जो आप देख रहे हैं झांसी स्मार्ट सिटी। इस स्मार्ट सिटी को आपको ऑन करना है। अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आपको झांसी स्मार्ट सिटी का ऐप पूरा है, इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, सिटीजन सर्विसेज, सिटीजन इंगेजमेंट, टूरिज्म। टूरिज्म में जा करके आपको ये चीज़ पे जो देख रहे हैं बुकिंग्स, इस पर जाना है। तो जब आप इस पर जाएंगे तो आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। इस बटन को याद रखिए, टूरिज्म में बुकिंग जो होती है ये वाला जो बटन है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके फायदे। इसको आप जब प्रेस करेंगे, अंदर आपको मिलेगी सहूलियत पूरे झांसी टूर कैब की, साउंड एंड लाइट टिकट बुक करने की और टूरिस्ट बस सर्विस को अवेल करने की। आपको जो चाहिए इसमें कर सकते हैं। हमारा आज का टारगेट है टूरिस्ट कैब बुकिंग। झांसी लोकल की ट्रिप्स, ओरछा और दतिया की ट्रिप्स सब अवेलेबल हैं। तो आप झांसी लोकल में जा सकते हैं। झांसी लोकल में ऐसे पैकेजेस दिए हुए हैं जिसका समय और पिकअप टाइम सब दिया है, और कहाँ कहाँ गाड़ियाँ लेके जा सकती हैं वो भी आपको बताया है। बुक करते जाइए अपने हिसाब से, जो भी आपको टाइम सूट करता है, जो भी आपको डेस्टिनेशन सूट करती हैं, इनको आप करते जाइए और ईवीज को एंजॉय करते जाइए इस तरीके से। इन गाड़ियों को सुरक्षित गाड़ियाँ, कंफर्टेबल गाड़ियाँ, फैमिली के साथ जाइए। 4 लोग बड़े आराम से जा सकते हैं। देखिए पैकेज फॉर 4 साफ लिखा हुआ है, पैकेज फॉर 3, इस तरीके से आप इसे अवेल कर सकते हैं, और जिसको जिस पे भी चाहें आप बुक कर सकते हैं। तो बुकिंग का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे आपको ये जगह जानी है, झांसी फोर्ट है, रानी महल है, लक्ष्मी टेम्पल है, गंगाधर राव छतरी है, महाकाली टेम्पल है, सेंट जूस चर्च है, गणेश टेम्पल है, ध्यानचंद मेमोरियल है, गढ़माऊ झील है। आपको बुक नाउ पर क्लिक करना है। बुक नाउ करने के बाद आपको योर नेम, फ़ोन, पैन कार्ड, आईडी नंबर, ईमेल, ये सब डालना है। पर्सन्स कितने हैं आपको ये दिखाना है, रिव्यू और करके और पेमेंट कर देनी है। गाड़ियाँ आपको जो मिलेंगी वो 2 या 3 जगह से मिलेंगी। एक झांसी फोर्ट से मिलती है, इसके साथ साथ झांसी स्टेशन से मिलती है, और नगर निगम के ऑफिस से तो ज़रूर मिलती है। ड्रॉप कहाँ करती है? अगर आप साउंड एंड लाइट शो अवेल करते हैं तो साउंड एंड लाइट शो झांसी फोर्ट पर ड्रॉप करती है, नहीं तो आपको झांसी नगर निगम पे आके ड्रॉप करती है। और इस चीज़ के लिए आप आपकी मदद भी ले सकते हैं। तो अब बाकी की बात है, कुछ गाड़ी में हो जाए और कुछ सफ़र का मजा लिया जाए। इस कंफर्टेबल गाड़ी में ईवी है ना, नई टेक्नोलॉजी, नया झांसी, तो कुछ नया करते हैं यारो, ठीक है? चलिए तो भाइयों, वादा किया था ना आपसे कुछ नया करेंगे। पुरानी बिल्डिंग के सामने जरूर खड़ा हूँ, लेकिन अब भूलिएगा नहीं, झांसी स्मार्ट सिटी जुड़ चुका है इस बिल्डिंग के साथ, तो कुछ नई अप्रोच भी है, और इसीलिए नई टेक्नोलॉजी भी है, नई गाड़ी भी है, और नए झांसी के टूरिस्ट पैकेजेस भी हैं। आज टूरिस्ट पैकेजेस सारे टिगोर ईवी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल। चलिए मजे कराते हैं आपको नया कुछ। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। छुट्टी बनाने का पहला दिन मैं तरीके से टिगोर ईवी में, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, नो पोल्यूशन, नो साउंड, नो वाइब्रेशन, नया तरीका है छुट्टी बनाने का। और सबसे पुराने चर्च के पास हमारा पहला जगह, जहां हम पहली जगह आए हैं घूमने, सेंट जूड श्राइन, झांसी का सबसे पुराना चर्च है, सबसे महत्वपूर्ण चर्च है, और बहुत ही सुंदर जगह है। शांत वातावरण में एकदम कूल, आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है। एक बार मैं ये भी चाहूँगा कि एक बार इसको भी लिया जाए। किसी ने अगर अपनी खांसी नहीं देखी है तो
बड़े ताज्जुब की बात है क्योंकि अपने झांसी में एक से एक बढ़िया चीज़ें हैं, सारे धर्मों की, सारे रिलीजन्स की, और बहुत ही प्यारी लॉर्ड ब्लेस अस अ ग्रेट डे ऑन दिस न्यू टिगोर ईवी, ठीक है ना। और बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज उनको कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, घर बैठे अपने बुक करिए और निकल जाइए अपने झांसी के पूरे बढ़िया बढ़िया जगह देखने जाने के लिए। और मजे से देखिए, मौसम भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है और तनाव भी बताओ। अभी हमें बहुत जगह जाना है इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अंदर एक नज़ारा ही अलग होता है श्राइन का। तो आइए फिर आप दूसरी जगह चलते हैं और कुछ और नया ट्राई करते हैं श्राइन के साथ साथ। मज़ा आ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूमने, क्योंकि ये चीज़ झांसी में थी नहीं ना, हवाई है बहुत खास बात होगी आपको बतानी है इसकी। टिगोर ईवी कैब थी, टूरिस्ट कैब थी, जिसमें हर टूरिस्ट और हर लोकलाइट जो भी झांसी के स्पॉट्स देखना चाहते हैं और मज़े लेना चाहते हैं वो इस गाड़ी में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। चलिए पहले कहीं दूसरी जगह करते हैं फिर बात है ना। आ जाओ थोड़ी सी फील दे दूँ, मुझे ये गाड़ी बहुत प्यारी सी गाड़ी लग रही है। एक तो जितनी कॉम्पैक्ट है उतनी ज़्यादा ही कंफर्टेबल है, काफ़ी एयरी है, और सच बताऊँ तो ईवी के एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ही शानदार है। क्योंकि जो पहले इंटरनल कंबशन इंजन जिसे हम डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ कहते हैं उसमें सबसे पहली बात तो बहुत वाइब्रेशन, बहुत नॉइज़ और धुआँ ये सब है। इसमें आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाली कार में बैठे हैं, और पूरा मज़ा है, कंफर्टेबल है, सब कुछ है। और कुछ बातें हमारे शिवाजी जो हैं ड्राइवर साहब हमारे को घुमा रहे हैं आज, कुछ उनसे बात करके जान लेंगे। शिवा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शिवा। यार एक बात बताओ, तुम कब से हो यहाँ पर इसमें और कहाँ से हो? झांसी से ही हो? हाँ सर, झांसी से हूँ। क्या बात है, तो झांसी स्मार्ट सिटी की सेवा में लगे हो, झांसी स्मार्ट। जी है। अच्छा शिवा, ये गाड़ी तुम्हें कैसे लगती है और गाड़ियों के मुकाबले में? गाड़ी पे कुछ लोग आते हैं जो टूरिस्ट लोग, गाड़ी उन लोगों को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें ना ज़्यादा साउंड है, ना ज़्यादा इसमें पोल्यूशन है, और क्या बोलते हैं एसी भी इसका कूल है, काफ़ी अच्छा है। इसीलिए काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है इसमें घूमने में। अच्छा, तो ज़्यादा पैकेज महंगा भी नहीं है, 1000-1200 रुपये में आराम से अपनी गाड़ी चली जाती है, तो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि पावर की कमी हो रही है? नहीं, या फिर कोई ऐसा नहीं लगता, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आती तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, गाड़ी है 150 किलोमीटर चलती है लोकल के हिसाब से। 150 किलोमीटर तो 3-4 चक्कर लगा लो झांसी के लिए यार, है ना, लोकल की है ना, बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास है। तो अभी तक तुम्हारे जो टूरिस्ट आए हैं और बैठे हैं उनको तुम घुमा के लाए हो, जी सर, जी। उन्होंने झांसी के घूमने का जो ये एक्सपीरियंस होता है पूरा, जो तुम्हारा ये तुम उनको सर्विस देते हो, जी, उनका अनुभव कैसा रहा, क्या कहते हो? सब लोग तारीफ करके गए, बोल के गए कि बढ़िया कार है, और काफी लोग बोल के गए कि अगर हम दोबारा झांसी आएंगे तो बिल्कुल बुक करेंगे, घूमने भी जाएंगे। वेरी नाइस जी। देखिए साहब, हमारे शिव जी ने पूरा क्लियरली बता दिया कि कितनी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है लोगों का। और ये अभी हम लोग आ गए हैं स्टेशन के सामने, जो चौराहा है जहाँ 11 मूर्तियाँ हैं, ये बहुत शानदार चौराहा के पास से हम लोग निकल रहे हैं। और जैसे कि शिव ने बोला ही है कि गाड़ी का एसी बहुत चिलिंग है और बढ़िया ठंडा कर रहा है, और बड़े आराम से गाड़ी चलती है, बहुत कंफर्टेबली, आपको लगता ही नहीं है, फील ही नहीं आता कहीं से कि आप ईवी में हो, आपको लगता है प्रॉपर बिल्कुल गाड़ी बैठे। और मुझे लगता है कि शायद ईवी से ज़्यादा ही फास्ट होगी, ज़्यादा ही फास्ट होगी ईवी पेट्रोल और डीजल से अगर स्पोर्ट्स वोट पर चला जाए। बट ठीक है, हमें अभी भागना दौड़ना नहीं है, रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार सफ़र है। एक तो गाड़ी में जब बात करते हैं तो उसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि आवाज़ नहीं होती ना कोई बाहर से, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो धीमे से भी कोई बोल रहा है तो बड़े अपने आप लोग बहुत धीमे बोलना शुरू कर देते हैं, भाई ज़रूरत ही नहीं इतना तेज़ बोलने की। तो ये वाली बात है। झांसी का स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन, और अभी इसका नवीनीकरण होने को जा रहा है,
एक नया लुक में बहुत जल्दी आपको स्टेशन मिलेगा। इस पे काम शुरू हो चुका है और अंदर एस्केलेटर्स वगैरह भी लग गए हैं। और अब देखिए और क्या क्या चीज़ें झांसी में नई होने वाली हैं, स्मार्ट होने जा रही हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं झांसी के अंदर, आप देख ही रहे हैं मज़े से। कहीं भी कोई प्रदूषण वाला काम झांसी में नहीं हो रहा है, बेसिकली मेरा कहने मतलब ये है। तो झांसी जो है स्मार्ट सिटीज़ के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो स्मार्ट सिटीज़ के पायदान भी हम बहुत जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ने वाले में से एक शहर हो जाएगा झांसी बहुत जल्द। चलिए हम आपको आगे आने वाली जगह दिखाते हैं बहुत जल्दी और झांसी के और मज़े कराते हैं आपको। कहते हैं ना कि अगर अभी तक अपने शहर को कोई लोग पहचानते ही नहीं थे, झांसी में इतनी सारी घूमने की जगह हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी ऐसा इंटरेस्ट लिया था कि झांसी को इतना अच्छा बना सके, इतने अच्छे से दिखाने की सुविधाएं दे सके? तो ये बात अब सामने आ रही है। जो अब प्रशासन है वो झांसी की सारे स्पॉट्स बहुत अच्छे से घुमाने से प्रबंध कर रहा है, घुमाने के लिए प्रबंध कर रहा है, बहुत अच्छे से दिखाने के वहाँ हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छा काम झांसी में चल रहा है। हर एक चीज़ स्मार्ट बनाई जा रही है स्मार्ट शहर को, और झांसी तो हेरिटेज सिटी में आता है तो इसका होना तो अनिवार्य था। तो थोड़ा सा दोस्तों अब हम एक और नई जगह पहुंच गए हैं, झांसी के जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद पत्ता हैं हमारे, उनके स्मार्ट पर। और नया झांसी हमें घुमा रही है नए तकनीक की गाड़ी, हमारी टिगोर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। और बहुत मज़ा आ रहा है, छुट्टी बोहियत में अब गुजर नहीं रही है, अब नए नए जगह देख रहे हैं झांसी के, और वो भी नई गाड़ी में नई तकनीक की गाड़ी। ध्यानचंद स्टेडियम ध्यानचंद दद्दा की एक ख़ास बात रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख ही सकते हैं बड़ी विशालकाय मूर्ति लगी है उनके पास, राइट। अब ये मूर्ति जो लगी है ये हमें शौर्य की याद दिलाती है, जो शौर्य उन्होंने जर्मनी में कभी हिंदुस्तान के लिए दिखाया था, हॉकी का मैच जो हिटलर देखने आए थे, और उसके साथ साथ वो नंगे पैर खेले थे। और नंगे पैर खेलने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो अपनी हॉकी से बॉल के साथ जादूगरी दिखाई थी, उसके चलते हिटलर से रहा नहीं गया था उनको ऑफ़र देने में, वो जर्मनी फौज में आए। जर्मन फौज में आकर के जर्मनी की सिटीजनशिप ले और जर्मनी के लिए हॉकी खेले, ठीक है। लेकिन नहीं, दद्दा तो हमारे दद्दा, कैसे खेलें, हम तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं। उनने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया और हिंदुस्तान के लिए हमेशा भारत के लिए खेले। आज देखिए भारत ने उन्हें कितनी ऊंचाइयों पर रखा हुआ है। सीढ़ियाँ हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी, पे रिस्पेक्ट टू हिम, थोड़ी सीढ़ियाँ लीजिए, थोड़ा थकिए लेकिन मज़ा आएगा। तो यार ऐसा है, नीचे से लेके आधा तो आ गए, ज़्यादा समय नहीं है, पहुँच जाएंगे ऊपर। लेकिन एक चीज़ बताने के लिए मैं रुक गया दद्दा के बारे में। दत्ता के नाम पे झांसी के अंदर ध्यानचंद स्टेडियम भी है, और यकीन मानिए बहुत सारा नया टैलेंट झांसी का हॉकी से लेकर के जुड़ा हुआ वहाँ पनप रहा है। तो दत्ता का आशीर्वाद तो उन्हें मिला ही हुआ है। अब झांसी स्मार्ट सिटी ने उधर पे फ्लड लाइट्स लगा करके और एस्टेटअप बिछा करके खेलने की सुविधा और बढ़ा दी है, यानी आप वहाँ तैयारी करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करेंगे, जहाँ आपको रात में भी तैयारी करने जाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको सोचा नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, अभी करिए, और मेहनत करके दद्दा जैसा मुकाम बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्लड लाइट्स भी हैं, स्टेटअप भी है, बढ़िया प्रैक्टिस होगी आपकी, है ना। चलें ऊपर। दद्दा हम आ रहे हैं आपके दर्शनों के लिए, थोड़ी जान लगानी पड़ी है लेकिन मज़ा आ गया आज पहली बार इतना चल के। नहीं है, मैं कहता हूं जो देखता है ना एक बार में दिल दे देता है, क्या बात है। दिस इज माय झांसी, व्हाट यू कैन सी, मैंने कहा था ना बहुत सुंदर शहर है और बहुत ही गजब की सुंदरता है इस शहर के अंदर।
झांसी का किला है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, ही इज मैन ब्रॉट डिग्निटी टू द स्टेट, नेशनल गेम हॉकी। और आप इनकी हॉकी स्टिक पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है इंडिया। Type of a, you know, caliber this guy would having by that time, right? Where the man of Germany, Mr. Hitler, have actually asked him to take the citizenship of Germany and stay in the country and play for their country, Germany. And this man, very simply, very humble man, denied the offer. No, I want to play for India. Simple. तो आज सवेरे से जो हम नया कुछ करने की सोच रहे हैं, वो हर चीज़ हमें नई मिल रही है। नई तरह की गाड़ी मिली है, नई तकनीक की गाड़ी मिल रही है, नए पैकेजेस जो झांसी में डेवलप हुए हैं वो देख रहे हैं हम। उसके थ्रू हम झांसी के सारे जो दर्शनीय स्थान हैं उनका हम भ्रमण कर रहे हैं। और हमारे जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर शिव जी, वो भी बड़ा मदद कर रहे हैं सारी चीज़ें समझाते हुए। तो इसके साथ में आज एक नई चीज़ आपको बताता हूँ। हमारी जो ये जो टूरिस्ट कैब्स जो चलती हैं, 5 गाड़ियाँ झांसी स्मार्ट सिटी की, और जिसके थ्रू आप सारे यू नो जो घूमने के स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं झांसी, उस पर जा सकते हैं आप। जो पैकेजेस दिए हुए हैं इनके एप्लीकेशन, झांसी स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन पे, इन सारी 5 गाड़ियों में ये जो बटन देख रहे हैं आप, ये ऊपर एक बटन ये देख रहे हैं रेड कलर का, ये आपको मिलेगा। अब ये बटन ना टूरिस्ट को बहुत सेफ कर देता है, इस पे बैठे जितने भी यात्री हैं उनको अंदर विश्वास जगाता है कि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसके थ्रू ये इमरजेंसी बटन क्या काम करता है, इसके लिए हम थोड़ा सा अपने शिव, जो हमारे साथ चल रहे हैं ड्राइवर, वो बताएंगे, और अच्छा मुझसे भी। तो शिव एक बात बताओ, ये गाड़ी में हमने देखा आपके ज्यादातर गाड़ियों में ये लगा, सारी गाड़ियों में लगा है ना, जो गाड़ी में लगा हुआ है यार, ये बटन जो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है इमरजेंसी, ये काम क्या करता है यार? ये सर इमरजेंसी कॉल इसलिए है, जैसे गाड़ी अपन कहीं ले जा रहा है, टूरिज्म जो अपने साथ में है, कहीं चल के आगे चल के कोई हादसा होता है या किसी को प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल की जरूरत है, तो इस कॉल पर बटन दबा सकते हैं तो कॉल जाएगी कंट्रोल रूम में, तो वहां से अपन जो चीज की अपन को सुविधा चाहिए उसे बुला सकते हैं। कोई गाड़ी को पकड़ने आ गया, कोई लूटने आ गया, तब उस वक्त में क्या हेल्प, पुलिस सब हेल्प मिलेगी सर, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हर चीज की सुविधा है सर। वाह, तो मतलब ये अगर गाड़ी में कोई आग का धुआं छूटता है तो वो फायर ब्रिगेड तक ही पहुंच सकती है? बिल्कुल 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 आ सकती है सर। मतलब फायर ब्रिगेड का भी आप यहाँ से पहुँच सकते हैं, पुलिस को भी आप यहाँ से पहुँच सकते हैं, हॉस्पिटल को भी यहाँ से पहुँच सकते हैं। जो एक प्राइमरी डर होता है टूरिस्ट के साथ में जब वो घूमने के निकलते हैं, वो सहयोग साथ में इस बटन के थ्रू मिल रहा है। और ये चीज़ आपको व्हाट शिव हैज टोल्ड अस इज कम्प्लीटली सेफ कार, एंड यू आर मूविंग एंड एक्चुअली यू नो विजिटिंग ऑल प्लेसेस इन अ वेरी सेफेस्ट एनवायरनमेंट आई विल से। तो ये बहुत नई चीज़ है और ये बदलते झांसी की पहचान है, जहाँ हर चीज़ बहुत अच्छे से हो रही है और लोगों को बहुत सेफ फील होता है इसमें घूमने में। तो ऐसी नई नई चीज़ों के लिए आप जारी रखिए हमें देखना, बाकी हम आपको और दिखाते हैं, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारा तो जो नया कुछ करने का था आपसे प्रॉमिस, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं नया कुछ करके बढ़िया आपको मर्जा दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि अगली छुट्टी में आप भी कुछ नया ऐसे ही करिए, जहाँ ये टाटा टिगोर ईवी आपको नया करवाने में मदद करेगी। हम आ गए हैं अपने तीसरे स्पॉट पर, सेंट जूड श्राइन, उसके बाद हम गए दद्दा के स्तंभ उस पर जगह पे जहाँ उनकी वो मूर्ति लगी हुई है, और उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पर संग्रहालय, झांसी संग्रहालय। और अब देखिए इतनी बढ़िया चीज़ घूम रहे हैं, इतनी सेफ सुरक्षित गाड़ी में, और उसके बाद नई तकनीक जहाँ ना वाइब्रेशन है, ना नॉइज है, ना धुआं है, नो पॉल्यूशन, और ऊपर से सबसे सुरक्षित गाड़ी है, अंदर इमरजेंसी का बटन, हेल्प और बढ़िया ड्राइवर्स, और आपको क्या चाहिए। इसी तरह से आप छुट्टी बनाए, अपने परिवार का भी ध्यान रखें और अपने परिवार के साथ लेकर के निकले झांसी के दर्शनीय स्थलों के लिए। अभी बहुत कुछ है आगे, आइए। Let's get in. बहुत कुछ करना है।
तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं चौथे स्थान पर जो है झांसी का किला, और झांसी के किले के ऊपर हम लोग आए हैं अपनी वही टिगोर ईवी के साथ जो कि नए तकनीक की गाड़ी है और कोई पावर की कमी नहीं, कुछ नहीं, फुल एसी पे आए हैं। और अब झांसी का किले का मज़ा लिया है हम लोगों ने, और इसी तरीके से आप भी मज़ा ले सकते हैं। अगली छुट्टी पर झांसी स्मार्ट सिटी के एप्लीकेशन पर जाइए, गाड़ी बुक कीजिए और अपने परिवार को लेकर के पूरा झांसी के सारे दर्शनीय स्थल आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको वहाँ से सुविधा मिलेगी जाने की, अगर आप चाहें तो ओरछा और दतिया के लिए भी जा सकते हैं। तो अब और आगे चलें, आगे अभी और भी है। तो दोस्तों अब हम आ गए झांसी रानी महल, जो कि पांचवा स्थान है दर्शनीय स्थल झांसी का। जब रानी झांसी किले से उनको अंग्रेजों ने निकाला था तब तो वो आकर के इस महल में ही रुकी थी। और ये झांसी का बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अंदर से बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी कलाकृतियाँ दिखेंगी। और इसके साथ में मैं आपको दिखाऊंगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं है, एक पार्किंग स्थल भी है जो झांसी स्मार्ट सिटी ने डेवलप करी है, जहाँ आप अपनी आकर गाड़ी भी लगा सकते हैं। और आराम से सुरक्षित गाड़ी लगाने के बाद अगर आप अपनी गाड़ी से आएँ तो जा सकते हैं और रानी महल देख सकते हैं सामने सामने। लेकिन मैं तो आपसे फिर भी यही कहूँगा, नई तकनीक की गाड़ी पे नया झांसी देखने का जो मज़ा है वो आपको टाटा टिगोर ईवी जो झांसी स्मार्ट सिटी की ऐप से आप बुक कर सकते हैं उस पर मिलेगा। इसलिए इस बिल्डिंग को, इस जगह को, दर्शनीय स्थल को देखना ना भूलें, बहुत ही प्यारी जगह है ये। आइए और आगे चलते हैं, आपको और जगह दिखाते हैं। झांसी रानी महल, झांसी की रानी का काफ़ी समय इस बिल्डिंग में बीता है, और इस गाड़ी में घूमने का एक अलग ही मज़ा है, आप भी एक्सपीरियंस करेंगे तो आप भी यही बात कहेंगे। आइए चलते हैं। These are certain things I believe has some historical importance for the city of Jhansi. It somewhere somehow has got neglected. However, let me assure you one thing. When we study history, you know, we have to understand the significance of everybody who has ruled over in Jhansi city. Cause for the fact, we understand the sacrifice of Maharani Lakshmibai for this city and the galore and aura the lady, the queen was having. However, Raja Gangadhar Rao ka apna ek wo tha, क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडल किया था, संभाला था, किसी भी तरह अपनी झांसी को सुरक्षित रखा था, जबकि वो काफ़ी बंधे हुए थे उसके बावजूद। लेकिन आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं उनकी भी एक इम्पोर्टेंस है जो वो रानी को लेकर के आए, जबकि रानी का और उनके बीच में उम्र का बहुत डिफरेंस था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी शादी हुई और हिस्ट्री में झांसी का नाम बड़ा होना था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा वो हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें वी शुड पे अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू द मैन मिस्टर गंगाधर राव। ओके, सो दिस इज द प्लेस देयर वाज महाराजा
आई थिंक 50-60 फिट इसकी गहराई होनी चाहिए, क्योंकि वो बता रहे हैं जो यहाँ पे लोग हैं कि ऊपर तक सीढ़ियों तक पानी आ जाता है, और इसमें अभी जितनी सीढ़ियाँ ऊपर अपन देख रहे हैं उतनी सीढ़ियाँ नीचे और जा रही हैं। तो ये एक अपने आप में ब्यूटी है। एक आप वो मंदिर देख रहे होंगे दूर, हनुमान जी का मंदिर है वो, और यहाँ पर पूरा ये गार्डन है। सी द होल थिंग इज दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट झांसी हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। However, question is, who is recognizing that? And if someone is recognizing that, what are we doing in terms of taking care of all these heritage places? That's very important, right? Because I firmly believe if the people are conscious about these, treasures of a place where they live in, तो market करने वाले उस शहर के लोग ही होते हैं। अगर हम जैसे लोग, आप और हम, झांसी की सारी चीज़ों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इनका महत्व है इतिहास में, तो आई एम श्योर और लोग जो बाहर से आ रहे हैं इस चीज़ को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और समझेंगे। बहुत बढ़िया एक जगह है, बहुत शांत जगह है, जिस तरह से होना चाहिए उस तरीके से है, और पुराना बना हुआ है, इसलिए वो पुराना आर्किटेक्चर आप इसको देख सकते हैं, दीवारों की चौड़ाइयाँ, छड़ों के इस तरीके से आप देख रहे हैं, वो सब बढ़िया लग रहा है। सारी चीज़ें, मंदिर, बहुत शांत वातावरण, एक देखने लायक स्थल, मैं यही कहूँगा। ओके दोस्तों, तो ये है सातवां स्थल जहाँ हम लोग अपनी आज की नए झांसी की नया कुछ करने की यात्रा समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले ये जान लीजिए ये है लक्ष्मी टेम्पल, और ये आज बंद है क्योंकि पूजा का समय नहीं है, अपनी कपाट बंद है, लेकिन बहुत प्यारा बना हुआ है। अगर आप सूरत स्ट्रक्चर देखें, पुराना स्ट्रक्चर है और लक्ष्मी मंदिर का नाम बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इसके साथ में देखें पूरे बाग बगीचे यहाँ पर बंद हुए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि लक्ष्मी ताल का सामने जो आप चित्र देख रहे हैं वहाँ पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट के चलते आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ करने को आगे मिलेंगी, जैसे कि बोटिंग एंड ऑल दैट, बोट्स वगैरह आ चुकी हैं। So I hope this will gonna be all very good days coming for झांसी। मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, एक मेरी इल्तिजा है कि देखिए आपका झांसी है, आपको इसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, जहाँ नॉइज़ ना हो, गंदगी ना हो, एक बढ़िया सुंदर झांसी बनाइए। झांसी में सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, कुछ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, एक वो बनती ड्यूटी बनती है कि हम इसके बारे में बात करके जितने लोगों को बता पाएंगे वो संज्ञान में ले पाएंगे, जब वो संज्ञान में ले पाएंगे तो यहाँ आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, और आपकी झांसी और चमकेगी और दर्शनीय होगी, लोग आना शुरू करेंगे। यही हमारी कोशिश है, और हम चाहते हैं कि आप ये सब कुछ शांति से घर पर बैठे एप्लीकेशन से, झांसी स्मार्ट सिटी की कैब बुक करिए, टूरिस्ट ईवी कैब्स जो कि टाटा टिगोर ईवी है, नए तकनीक पे नए झांसी को घूमने का जो मज़ा मैंने आज लिया है अभी लूटिए, और सिर्फ एप्लीकेशन पे जाकर के आपको गाड़ी।